हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही अच्छी और डिलीशियस पनीर स्नैक की रेसिपी। सो बेसिकली ये पनीर पॉपकॉर्न्स हैं, जिसको बनाने के लिए काफ़ी कम टाइम लगता है। आप चाहो तो इसको अवन में भी बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हो। अब पनीर पॉपकॉर्न्स के लिए हमने यहाँ पे लिया है सबसे पहले पनीर। आप चाहो तो थोड़ा सा हार्ड पनीर भी ले सकते हो, क्योंकि अगर पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है तो उसको बनाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है मलाई पनीर, और ये है 750 ग्राम्स। मैंने चार लोगों के लिए बनाया था, तो आप उस अकॉर्डिंग ही रखना। अब पनीर को काटने के बाद हम एक बोल में लेंगे चॉप्ड धनिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, एंड देन वील ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लगती है तो कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने रेड चिली फ्लेक्स ऑलरेडी डाले हैं। और फिर इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर मसाला। अब मैंने इसमें डाली है घर की बनी हुई दही। आप चाहो तो योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का टेस्ट सेम ही आएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 1/2 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहो तो घर पे बनी हुई क्रीम भी डाल सकते हो। एंड देन इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के अराउंड गार्लिक पेस्ट। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो, मेरे पास एक्चुअली वो ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने गार्लिक पेस्ट ही डाली। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून क्रीम थोड़ी सी और डाली थी। एंड जब आपका ये मिक्सचर कम्प्लीटली बन जाए तो आप इसमें अपने पनीर के पीसेस डाल सकते हैं। मेक श्योर कि काफ़ी आराम से डालना, ताकि वो टूट ना जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप 1 घंटे इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देना। अब जब तक हमारा पनीर फ्रिज में 1 घंटा मैरिनेट होता है, हम इसकी कोटिंग बनाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ 6 से 7 ब्रेड को मिक्सर में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। एंड मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स, जिसको मैंने क्रश करके ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में डाल दिया है। वैसे आप चाहो तो खाली ब्रेड क्रम्स के साथ भी कर सकते हो, बट कॉर्नफ्लेक्स डालने से एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच आ जाता है। अब इसमें आप थोड़ा सा नमक और मिर्च दोनों डाल देना, क्योंकि कोटिंग में अगर टेस्ट नहीं होगा तो पनीर काफ़ी फीका लगेगा। अब मैं तो पनीर पॉपकॉर्न्स यहाँ पर अवन में बना रही हूँ। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको अवन रेसिपीज़ ज़्यादा पसंद है, या फिर जो कि तवा रेसिपीज़ होती हैं वो। तो लास्ट स्टेप काफ़ी सिंपल है, बस पनीर को लेना है, मैरिनेटेड पनीर को, एंड उसके बाद हमें इसमें ये कोटिंग लगाकर या तो फिर आप फ्राई कर सकते हो, या फिर आप इसको अवन में बेक कर सकते हो एट 180 डिग्रीज फॉर 20 मिनट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्री हीट द अवन बाय 180 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स। जब आपके पनीर पॉपकॉर्न्स कुक हो जाए तो आप इसको किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली थी शेजवान चटनी, एंड माइंडेड पनीर पॉपकॉर्न्स बहुत ही क्रंची थे और अंदर से पनीर भी काफ़ी जूसी था। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मेन कोर्स डिशेस या फिर स्टार्टर डिशेस? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से वैसी ही रेसिपीज़ बनाऊँ। एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो योर फेवरेट स्नैक, एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।